पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। आप ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है। जैसा कि माना जाता है कि ये अप्राकृतिक शक्तियों का एक भंडार भी है, तो आइए जानें वो कैसे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का क्या महत्व है? कैलाश पर्वत सबसे रहस्यमय, गुप्त और साथ ही में सबसे धार्मिक और पवित्र पर्वत माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों सालों से। ये तीर्थ स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो जीवन के सारे चरणों, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। बौद्ध और जैन इस पर्वत के चक्कर लगाने को खोरा कहते हैं, वहीं हिंदू इसे परिक्रमा कहते हैं। एक चक्कर लगाना जीवन के एक पहिए को घुमाने के बराबर है, जो जीवन में किए गए सारे पापों को धुल देता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बारे में मान्यताएं। 12 बार परिक्रमा कर लेने से ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जन्म और इस जन्म के सारे पापों को समाप्त कर देता है। वहीं 108 बार परिक्रमा पूरी कर लेने पर ये इंसान को मोक्ष प्राप्त करा देता है। एक खोरा यानी एक चक्कर लगा पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जगह तक पहुंच पाना ही बहुत कठिन है और खतरे से भरा हुआ है। ऐसी जगह जहां पार्वती जी ने की थी कठिन तपस्या, इस जगह को गौरी कुंड कहा जाता है। ये कुंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर तीर्थ यात्री बर्फ हटाकर इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करना नहीं भूलते। 7.5 किलोमीटर तथा 80 फुट गहराई वाले इस झील में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मानसरोवर झील की खोज। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की थी और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध लोगों का मानना है कि इस जगह में बीचों बीच एक पेड़ पाया जाता है, जिसमें से निकलने वाले फल किसी भी तरह के शारीरिक व मानसिक रोगों को पूरी तरह से दूर और ठीक कर सकते हैं। हिंदू इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी बुलाते हैं। मानसरोवर झील लगभग 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत है और पश्चिम में रक्षातल यानी राक्षस तल झील है। पुराणों के अनुसार मीठे पानी की मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम मानसरोवर झील पड़ा। कैलाश पर्वत क्या सहस्रा चक्र है? एक और मान्यता है जो कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। ऐसा माना जाता है कि सहस्रा चक्र वास्तव में हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारी परम चेतना का मुख्य केंद्र है, यानी हमारी सुप्रीम कॉन्शियस का मेन सेंटर, जिसे शिव भी कहा जाता है। जब हमारी कुंडलिनी इस मुख्य केंद्र पे पहुंच जाती है, तब उसका मिलन शिव से हो जाता है। इसी चीज का भौतिक रूप है कैलाश पर्वत, जहां पे शिव की ऊर्जा पृथ्वी में केंद्रित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं, और इस जगह को स्वर्ग भी माना जाता है, जो आत्माओं का अंतिम ठिकाना है और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र। पुराणों में दिए गए कैलाश पर्वत के बारे में विवरण। पुराणों में दिए गए विवरणों के अनुसार कैलाश पर्वत के सामने वाले 4 भाग स्फटिक, रूबी, सोना और नीले रंग के पत्थरों से बनाए गए हैं। ये विश्व का स्तंभ है और इस दुनिया का मुख्य केंद्र। कैलाश पर्वत कमल के फूल के प्रतीक 6 पर्वत मालाओं के हृदय में स्थित है। इसमें से 4 नदियां निकली हैं, जो दुनिया के 4 क्वार्टर्स यानी तिमाहियों में फैली हैं और इस दुनिया को 4 क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। ये बातें कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को और भी गहराती चली जाती है। यम का द्वार। यम का द्वार टारबोचे नाम की जगह पर पाया जाता है, जहां से डार्चमैन नाम की जगह पर गाड़ी से पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है।
यम द्वार का हिंदी में सीधा साधा अर्थ है मौत के देवता का द्वार। ये जगह कैलाश पर्वत पे परिक्रमा शुरू करने का पहला बिंदु स्थल है। इसको तिब्बत में चोटन कैंग निगी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है दो पैरों वाला स्तूपा, यानी दो पैरों वाला एक बौद्ध मंदिर। अस्था पद 17,000 फीट की ऊंचाई पे पाई जाने वाली ये जगह कैलाश पर्वत का तल है, जिसे हिंदुओं और बुद्धिस्ट लोगों का सबसे मुख्य धार्मिक स्थान माना जाता है। इस स्थान को जैन लोगों का भी मुख्य तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि 24 जैन तीर्थकारों के सबसे पहले तीर्थकार श्री आदिनाथ भगवान ने इस जगह पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। वास्तव में अस्था पद का मतलब होता है 8 कदम या 8 पग। संस्कृत में अस्थ का मतलब होता है 8 और पद का मतलब होता है कदम, जिस वजह से इस जगह का ये नाम पड़ा। राक्षस ताल यानी रावण ताल। कैलाश मानसरोवर के निकट ही एक स्थान है जहां राक्षस राज रावण ने भगवान शिव की कई बार घोर तपस्या करके उनसे अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उस स्थान का नाम है राक्षस ताल। इसे रावण ताल के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में रावण से भी पहले बहुत से राक्षसों ने इस स्थान पर तपस्या करी थी, तभी से ये राक्षस ताल के नाम से जाना जाने लगा। पर लंकेश्वर रावण द्वारा इसी स्थान पर तपस्या किए जाने के पश्चात ये स्थान रावण ताल के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और रावण के बाद कोई भी इस जगह पर जाकर तपस्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि इस जगह पर अभी भी कुछ तांत्रिक आते हैं और उनकी साधना बहुत ही गुप्त होती है। वो किसी भी इंसान से बात नहीं करते, ना ही मतलब रखते हैं। उनकी तपस्या एक रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले तांत्रिक उन्हीं साधनाओं को सिद्ध करने आते हैं जिसे कभी रावण ने कर लिया था। अब हम बात करते हैं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। इस बारे में कई मत हैं और कई विश्वास हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,000 फीट और करीबन 4,000 लोग इस पर आज तक चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी जगह कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 21,767 फीट ही है। इस पर्वत पे कोई आज तक नहीं चढ़ पाया। बहुत से लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर भगवान शिव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं, और यही वजह है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। पर क्या यह सच है? सन 1926 में ह्यूज रटलेज एक सरकारी कर्मचारी और पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन के साथ इस महान कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इन दोनों ने योजना बनाई। रटलेज ने कैलाश पर्वत के उत्तरी हिस्से को 6,000 फीट ऊंचा बताया। उनका कहना था कि उस जगह से चढ़ा नहीं जा सकता। वहीं कर्नल विल्सन ने बताया कि जैसे ही उन्होंने चढ़ाई चढ़ना शुरू की, वैसे ही तेज बर्फबारी चालू हो गई, जिस वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। एक और पर्वतारोही जो एक रशियन थे, उनका नाम सर्जी सियास्टिको था। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचे चढ़ाई चढ़ने के लिए, तब उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो इस महान धार्मिक पर्वत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पर ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं लग रहा। वो अचानक से दुर्बलता महसूस करने लगे और उनके मन में ऐसे विचार आने लगे जिनसे उन्हें लगा कि उनको इस पर्वत पर चढ़ने के फैसले को बदल देना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अपने इस फैसले को बदला, उन्होंने अपने आप को किसी चीज से मुक्त या रिहा होते हुए महसूस किया। इतिहास बताता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के और इस पर्वत को जीतने के कई प्रयास किए गए, पर इस योजना में कोई भी सफल नहीं हो सका। आखिरी बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न स्पेनिश सदस्यों ने सन 2001 में किया था, जिन्हें चाइना सरकार ने अनुमति दी थी। पर ऐसा करने से कैलाश पर्वत के प्रति आस्था रखने वालों का इस फैसले के प्रति आक्रोश भड़क उठा, जो इस पर्वत को एक धार्मिक और सिद्ध पर्वत मानते हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी शामिल हैं। इसी घटना के बाद से सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने के प्रयासों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। इसी के साथ कैलाश पर्वत के सबसे बड़े रहस्यों का ये दूसरा भाग समाप्त होता है। पहला भाग देखने के लिए आप पीछे के वीडियोस में जा सकते हैं।